नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक शुरू करने वाले हैं और पहला टॉपिक मेरा रहेगा थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर के बारे में पहला टॉपिक रहेगा थायरिस्टर। थायरिस्टर ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है थायरिस्टेट्रा और दूसरा है ट्रांजिस्टर। ठीक है, थायरिस्ट और रजिस्टर मतलब रजिस्टर, थायरिस्टर तो क्या आ जाएगा थायरिस्टर। और इसके अंतर्गत थायरिस्टर की कुछ फैमिली होती हैं, अब देखेंगे थायरिस्टर के फैमिली के बारे में। थायरिस्टर की फैमिली होती है, पहला फैमिली SCR होती है, दूसरा ट्राइक होती है, तीसरा डाइक होती है, ऐसे और भी होती है, इसे हम क्रम से पढ़ते जाएंगे। ये जिसमें थायरिस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है SCR है। SCR जिसका फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों कहते हैं आगे हम जानेंगे। और थायरिस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट SCR है, तो इसीलिए थायरिस्टर को हम कभी कभी SCR भी कर देंगे। इससे आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो थायरिस्टर को SCR के रूप में जानेंगे। और इसका देखिए, इसका हम सिंबल देख लेते हैं, थायरिस्टर का हम सिंबल देख लेते हैं। इसका बहुत बेसिक से शुरू हुआ है और आगे तक बहुत आगे एडवांस लेवल तक बताएंगे। देखिए इसका सिंबल जो होती है थायरिस्टर का, इसमें कुछ होता नहीं, बस डायोड जैसा ही रहेगा, डायोड जैसा ही रहेगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा होती है टर्मिनल, गेट टर्मिनल, एक इसमें एक एक्स्ट्रा एक टर्मिनल होती है जिसे हम गेट टर्मिनल कहते हैं, नहीं तो एनोड और कैथोड। ये एनोड है और कैथोड है, और एनोड को और कैथोड को हम मेन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, मेन टर्मिनल। और जो गेट है उसे हम कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं। अब इसे कंट्रोल क्यों कहते हैं हम आगे जानेंगे कि SCR के लिए कैसे हम कंट्रोल से दे सकते हैं। और एनोड में कैथोड में यही फर्क है, बस डायोड जो होती है उसमें दो सिंबल होती है, एनोड और कैथोड, जबकि SCR में यानी थायरिस्टर में केवल तीन टर्मिनल होती है, इसमें केवल दो ही टर्मिनल होती है। यही बेसिक सी डिफरेंस है इसमें, इन दोनों के बीच में। और हम थायरिस्टर बोले तो SCR के डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखेंगे इसमें SCR या थायरिस्टर का डायग्राम हम देखेंगे। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया और एक गेट हो गया। अब देखिए ये पी हो गया, एन हो गया, पी हो गया, एन हो गया, पी एन पी एन। अब देखिए इसमें लेयर कितने बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है थायरिस्टर के बारे में उसके डायग्राम से कि लेयर कितने होते हैं। लेयर आप गिन सकते हैं, काउंट आसानी से कर सकते हैं, लेयर 1 2 3 4 फुल लेयर होती है। और उसमें जंक्शन कितने होते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर पी एन 1 J1, यहाँ पर बना J2, यहाँ पर बना J3, इस तरह जंक्शन हमें कितना प्राप्त हुआ 3। इस तरह थायरिस्टर के डायग्राम में हम बोल सकते हैं इसमें फोर लेयर और 3 जंक्शन होते हैं, मतलब इट इज 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डिवाइस भी बोल सकते हैं। अब देखिए जब अब आगे आगे देखिए जब थायरिस्टर को जब थायरिस्टर को पी साइड को प्लस से यानी कि एनोड को प्लस से एन साइड को माइनस से जोड़ देते हैं तो हमारा थायरिस्टर क्या होता है, किसमें हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, किसमें हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। अब तो फॉरवर्ड बायस में होता है तो ए हमारा होता है फॉरवर्ड बायस में और ए वाला जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और जो मिडिल वाला बना आर रिवर्स बायस में। अल्टरनेटिव चलता है फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड, यही चलता है फॉरवर्ड बायस में, यही होता है। इसमें J1 J3 जो होते हैं इसमें क्या कह सकते हैं, इसको J1 का लिखे थे J3,
इसमें J1 और J3 डायग्राम से क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो गया, और J2 जो है वो क्या होगा, रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में। इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं, आफ्टर टू जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, आफ्टर टू जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, आउटर जो जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, इनर जंक्शन ही रिवर्स बाइस, एंड इनर जो जंक्शन है J2 ये रिवर्स बायस में काम करता है। और देखिए एक तो जब हम P को प्लस से और N को माइनस से जोड़े तो फॉरवर्ड बाइस में काम किया, अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं यानी कि रिवर्स बाइस में जोड़ देते हैं, जब P साइड को माइनस से यानी कि एनोड को माइनस, N साइड को प्लस से जोड़ देंगे, ये रिवर्स बाइस में काम करने लगेगा थायरिस्टर, तो ये क्या होगा रिवर्स बाइस में, ये भी रिवर्स बाइस में, अल्टरनेट चलती है तो रिवर्स इसके बाद फॉरवर्ड हो जाएगी। इसमें क्या होगा J1 है, ए J2 है और ए J3, इसमें क्या होगा J1 और J3 क्या हो जाएंगे रिवर्स बायस में होगी, और J2 जो होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। तो हम इससे डिफिनेशन बोल सकते हैं आउटर टू जंक्शन आर रिवर्स बाई रिवर्स बायस एंड मिडिल जंक्शन इज या इनर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस डिफिनेशन इसका हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और देखिए और हम आगे डिस्कशन करेंगे SCR, अब SCR तो डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन SCR में हम करंट पढ़ेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में करंट दो तरह से होती है, दो तरह मतलब दो करंट SCR में बहती है, एक तो एनोड करंट होती है, जब एनोड करंट लैचिंग, एक लैचिंग करंट होती है और एक होल्डिंग करंट होती है, जो जब इनवर्ट करंट लैचिंग करंट इक्वल हो जाती है तो SCR हमारा ऑन हो जाता है,